चोरनी क्या है फई, जा मेरे लिए चाय लेकर आ। अभी नहीं, दो तीन दिन के बाद। कैसी पागलों जैसी बात कर रही है, अभी चाहिए तभी तो बोल रही हूँ ना, जा लेकर आ। अभी मुझे बहुत सारे काम है, तो मैं आपको बाद में बना के देती हूँ, ठीक है? मुझे बचाओ, मेरी बहू मुझे जला रही है। भाई आप चिल्ला क्यों रही है? चुपचाप जाके चाय लेकर आ। लेके आती हूँ, पर शांत रहिए आप। ऐसे नहीं, स्माइल करके बोलना। चाय लेके आती हूँ, ठीक है? ऐसे स्माइल करके बोलेगी तो हंसने वाला इंसान भी रोने लगेगा। जा रे। मजा आ गई। डैड ट्रस्ट मी, आज दादी के साथ जो भी हुआ उसमें मेरा हाथ नहीं है। डैड आई नो कि मैं इस फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ और ना ही इस फैमिली का हिस्सा बन पाई हूँ, पर मैं इतनी भी बुरी और इमेच्योर नहीं हूँ कि मैं अपनी ही दादी को नुकसान पहुंचाऊं। पर डैड आप तो जानते हैं ना कि मैं आपकी झूठी कसम कभी नहीं खाऊंगी। सो डैड आई स्वेयर ऑन यू कि मैंने दादी के साथ कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया। आपकी कसम मैं मानती हूँ कि गुस्से में आकर मैंने मायके जाने की बात की थी, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। मैं अब भी मम्मी जी, गोपी बहन, काकी जी सबसे नाराज हूँ, इनफैक्ट आपसे भी नाराज हूँ। लेकिन किसी की जान जोखिम में डालकर मैं अपनों से बदला नहीं ले सकती। जो कह रही हूँ जी सच कह रही हूँ, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं मानता हूँ, बस ये एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। परीति ने नहीं किया, मीरा ने नहीं किया, तो फिर किसने किया? कौन है जो जो हमारे खुशहाल परिवार को हानि पहुंचाना चाहता है? माँ जी पिछले दो दिनों से मैं भी यही सोच रही हूँ, हो कौन सकता जो हमारे साथ इस तरह से दुश्मनी निकाल रहा है। ओपी वो, तुम्हें तो तेज जुकाम है। पर आप फिकर मत कीजिए, मैं दवाई ले लूंगी। काश कि हमारे दुख दर्द की भी दवाई होती तो हमारा जीवन कितना सरल हो जाता। 10 साल के बाद जब मैं इस घर में लौट आई तो मैंने सोचा कि हमारे दुख दर्द का सूर्यास्त हो गया है और हमारी खुशियों का सूर्योदय। अब हम सब इस घर में एक साथ मिलजुल कर खुश रहेंगे। कि पता नहीं क्यों हमारे खुशहाल परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई है। अब देखो ना, एक के बाद एक हादसे ही होते जा रहे हैं हमारे घर में। सबसे पहले तुम्हारे साथ, तुम मरते मरते बची, उसके बाद मीरा और संस्कार ने जो किया, फिर हमारी गोलू पोलू राशि बाल बाल बच गई, तो उसके बाद परिधि बीमार पड़ गई। अभी परिधि और राशि ठीक हो ही रहे थे कि मोटा भाभी के दोनों हाथों में घाव हो गया, और उसके बाद आज मैं गिरते गिरते बची। हे कृष्ण भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेना चाहते हैं आप हमारी? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपको इतनी चोट लगी है, फिलहाल आप आराम कीजिए। नहीं गोपियों, इन सब हादसों के पीछे किसका हाथ है जब तक मैं ये जान नहीं लेती, मेरे लिए आराम हराम है गोपियों। माँ जी पहले तो मुझे ये लगा कि ये जो भी घटना घट रही है उसके पीछे किसी बाहर के आदमी का हाथ है, लेकिन आज जिस तरह से मैं गिरी हूं, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये काम घर के ही किसी सदस्य का। माँ जी मैं समझ सकती हूँ, पर प्लीज प्लीज इस वक्त आप शांत हो जाइए और ये रोना बंद कीजिए। माँ जी मैं आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ, वो भी हल्दी वाला, आपका दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा, आपको आराम भी मिलेगा।
आज लगता है मीठी बहन को जल्दी सोना था, इसलिए काम निपटा कर चली गई। स्लाइड को भी अभी जाना था, लगता है फ्यूज हो गया होगा। सर्दी ने भी तो नाक में दम कर रखा है। अरे खिड़कियां भी सारी बंद है। इस पूरी डिब्बी को तो हवा लग गई है, कहां से माचिस चलेगी। स्मेल किस चीज की, तो गैस की स्मेल। ये किचन में जो गैस है वो लीक तो नहीं कर रहा। जी गोपी, सारे किचन में गैस की स्मेल हो पड़ी है, क्या तुम्हें स्मेल का पता नहीं चल रहा। स्मेल गैस की, दरअसल मुझे सर्दी लगी हुई है, शायद नहीं पता चला। क्या आपको पूरा यकीन है गैस लीक हो रहा है। किसने गैस की पाइप काट दी। क्या पाइप काटती है, मतलब हे भगवान। कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है कि अहम जी अब सही वक्त पर आ गए, नहीं तो आज मैं, कल तीज है, एक पत्नी अपने पति की सुरक्षा की कामना करती है और आज इधर आपने मेरी जान बचाई। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उसके चाहे मुझे भी जान करना। नहीं अहम जी, मेरे वजह से आपको कुछ हो, आपकी जान को खतरा हो, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। लेकिन मुझे जो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है, उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है हमारे साथ। परेशान तो मैं भी हो रही हूँ अहम जी, आज जो कुछ भी हुआ इस बारे में हम माजी से कुछ नहीं कहें। माजी बहुत परेशान है और अगर ये सब पता चलेगा तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी कि कौन है इस सबके पीछे। ये सबके पीछे आपका क्या मकसद है और क्यों मुझे इस तरह टॉर्चर किया जा रहा है। किंजल, ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं अपने आप से करना चाहिए। पिछले 10 सालों में रिश्ते जोड़ने के बजाय तुमने रिश्ते तोड़े, जैसी करनी वैसी भरनी। धवल, किंजल, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और तुम जितना भी चाहो उससे दूर नहीं भाग सकते। तुम्हें एक बात बता, जब इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा हो ना, तो उसको जितने भी लोग मिलते हैं उसे उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जब तुम नाकामयाबी की सीढ़ी उतरोगे ना, तो तुम्हें उस रास्ते में वही लोग मिलेंगे। वैसे मैं बेकार में तुमको ये सब भाषण दे रहा हूँ, मैं होता ही कौन हूँ तुम्हें कुछ भी समझाने वाला या कुछ भी कहने वाला। तुम्हारा और मेरा अब वैसे भी कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी जिम्मेदारी, जिसको मैं हमेशा निभाता रहूं आखिरी वक्त तक।
जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण किंजल दिखरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। किंजल, अब अपनी काकी से भी झूठ बोलोगी? तुम्हारी आवाज से ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया। नहीं नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं। किंजल दिखरा, बेटा मैं नहीं जानती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता जिसका कोई हल ना हो। तुम 10 साल बाद वहाँ गई हो तो एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा बेटा। तुम्हें सिर्फ धीरज रखकर एक शुरुआत करनी है, फिर देखना चीजें अपने आप ठीक होने लगेगी। दिखरा, कल तीज है। मैं तुम्हारे लिए साड़ियां और जेवर भिजवा रही हूँ। कल के पवित्र दिन पर अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करो। देखना, सुख और शांति तुम्हारे घर का रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेंगी। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान, इसका यही अर्थ हुआ कि अलमारी के ऊपर कांच के भरे हुए ये बक्से एक के बाद एक नीचे गिरे, इसलिए ये सारा इंतजाम किया गया और इसके साथ साथ पूरी अलमारी नीचे गिरे। जिसने भी ये किया है चालाक इंसान है। वो जो कोई भी हो, मैं कोकिला मोदी कल तक उसका पता लगा कर ही रहूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।